हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तिल गुड़ के बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डू की रेसिपी। तिल गुड़ के लड्डू जो हैं सर्दियों के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में खाए जाते हैं और ये संक्रांति से लेकर ये हल्दी कुमकुम तक महाराष्ट्र में बहुत अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फूड ओपीट चैनल को एंड हिट कर दीजिए बेल आइकन को ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुषमा, आप देख रहे हैं फूड ओपीट। तो चलिए आज कुछ नया बनाते हैं। तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बट्टी से देखो तो 5 बट्टी लिया है और ग्राम से देखें तो 300 ग्राम गुड़ है। इसको मैंने तोड़ के कटोरी में ले लिया है। कोई भी एक आप मेजरमेंट बना सकते हैं, चाहे आप कप हो या कटोरी ले सकते हैं। ये गुड़ देखिएगा इस तरीके की होना चाहिए। जब हम इसे हाथ से तपाए तो एकदम से चिकनापन रहना चाहिए गुड़ में। इस तरीके की गुड़ रहे तो लड्डू जो हैं हमारे अच्छे बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे तिल लिया है इसी कटोरी से, बिल्कुल सेम नाप से हमने लिया है। तिल और गुड़ को बराबर मात्रा में लेना है। मेज़रमेंट के लिए आप कोई भी एक कंटेनर ले सकते हैं, उसी के नाप से आप गुड़ तिल को ले सकते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले हम गैस के ऊपर कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख देंगे। कढ़ाई यहाँ पर गर्म हो चुकी है, अब इसमें डाल देंगे हम ये तिल को। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखेंगे। तिल भूनते समय अगर हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे तो तिल जो है जल सकता है, तो उससे क्या होगा कि कड़वापन आ सकता है लड्डू में। इसलिए हमें लो टू मीडियम पे ही तिल को भूनना है। तिल को भूनने के लिए हमें 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा और इसको हमें सुनहरा कलर होते तक भूनना है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए हाथ से जब हम इसे ऐसे मसलें तो तिल जो है मसल जाना चाहिए। तो समझ जाइए कि तिल भून चुका है और इसमें खुशबू भी आने लगेगी और चटकने की आवाज़ें आने लगेंगी। तो यहाँ पे हमारा तिल जो है भून के हो चुका है और इसको हम ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आधा तिल को थोड़ा ग्राइंड कर दूँगी। आप चाहे तो पूरा खड़ा तिल भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आधे को थोड़ा सा पीस लूँगी। तिल को हमें खूब ज़्यादा भी नहीं चिकना पीसना है, हल्का दरदरा रखेंगे। तो इस समय पर हम यहाँ पर गुड़ को मिला देंगे, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है और थोड़ा तिल भी गर्म है तो गुड़ को मिलाने में आसानी रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पर बिना चाशनी के लड्डू बना रहे हैं। और यहाँ पे मैंने तिल को मिला लिया है गुड़ तिल को, और जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तिल को पीसा था इसको भी हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे। इससे बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट लड्डू लगेंगे। तिल के लड्डू आप किसी भी समय पे बना सकते हैं, संक्रांति से लेके अभी हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इस समय भी आप इसे बना कर रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू लगते हैं इस टाइप से बनाने से। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में ये जो लड्डू हैं बन के रेडी हो रहे हैं। तिल में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो तिल के लड्डू ये ठंड के सीज़न में ज़रूर बनाइएगा, बहुत फ़ायदे करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे हाथ से, इससे बराबर इक्वल मिक्स हो जाएगा अच्छे से और लड्डू बनाने में भी आसानी रहेगी। कढ़ाई जो है थोड़ी गोल गोल घूम रही थी, इसलिए हम इसको कटोरे में पलटा देंगे। तो इसमें आराम से बना लेंगे हम लड्डू को। इसे हमें देखिए इस तरीके से मिलाना है, आप देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि लड्डू कैसे बनेंगे, बट बहुत अच्छे से लड्डू बन जाएंगे इसके, क्योंकि गुड़ जो है अगर इस तरीके की गुड़ रही ना तो लड्डू जो हैं अच्छे बनेंगे। तो चलिए अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाथ में ले लूँगी, इस तरीके से लेना है। इसे ज़्यादा मतलब ताकत नहीं लगती है, हल्के हाथों से बाइंड करते हुए ही बनाना है। ये देखिए इस तरीके से बहुत जल्दी से बन जाते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है बनाने में और बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा तिल गुड़ का स्वादिष्ट लड्डू बन के रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर सारे तिल गुड़ का लड्डू को बना लूँगी। और आप अगर इस तरीके से नहीं बनाए हैं तो ज़रूर बना कर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लड्डू लगेंगे। हमने यहाँ पे तिल गुड़ के जो लड्डू हैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। इसके पहले मैंने जो लड्डू की रेसिपी डाली है फल्ली और तिल्ली की, इसमें मैंने जो ड्राई फ्रूट्स हैं सभी चीज़ें डाली हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर मैंने सारे लड्डू बना के रेडी कर लिया है। बहुत ही हेल्दी स्वादिष्ट तिल गुड़ के लड्डू हैं, अभी ठंड के सीजन में बनाइएगा और खाइए, मज़ा लीजिए। तो ये हमारे लड्डू जो हैं बनके रेडी हो चुके हैं। मैं इसे आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से इजीली टूट जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा। ये हमारे स्वादिष्ट लड्डू बनके रेडी हो चुके हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए।
कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन की बटन है, उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।